खरगोन शहर के अंबेडकर भवन में रविवार को आदिवासी प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें हाई स्कूल से लेकर महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थी शामिल हुए। युवा छात्र संगठन द्वारा आयोजित परीक्षा में आदिवासी संस्कृति, धरोहर, महापुरुषों और संविधान से जुड़े प्रश्न पूछे गए। आयोजक रवि किराड़े, राजेश नार्वे, रूपेश चौहान आदि ने बताया, प्रोफेसर राजाराम आर्य के मार्गदर्शन में 9 अगस्त आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित परीक्षा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रामेश्वर बड़ौले, प्रेम आर्य बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहे। परीक्षा का उद्देश्य आदिवासी समाज के छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास, समाज की संस्कृति को जानने, समाज को मिले अधिकारों और संविधान में मिले अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। परीक्षा में चयनित प्रथम 3 परीक्षार्थियों को 9 अगस्त पर आयोजित समारोह के दौरान पुरस्कृत करेंगे। परीक्षा में रिंकी किराड़े, सविता डुडवे, शिवानी जाधव आदि का सहयोग रहा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। इस एग्जाम का मेन उद्देश्य है आदिवासी संस्कृति को जाने और हमारे जो पिछड़े हुए हैं, जो अपने आदिवासी समाज के बारे में ही नहीं जानते, उनको जागरूक करना और इस एग्जाम से प्रेरित होकर अपने जो हक अधिकार है उनको वो जाने। किस टॉपिक पे मतलब एग्जाम की परीक्षा होती है? इसमें हमारे आदिवासी से रिलेटेड, जैसे कि आदिवासी वेशभूषाएं क्या हैं, हमारे रीति रिवाज क्या हैं, हमारे महापुरुष कौन कौन हैं उनके बारे में पूछा गया था, और हमारी जैसे पहले कहानियाँ बोली जाती थी आदिवासियों में, उनके बारे में पूछा गया था। ये किस विषय पे? ये आदिवासी प्रश्न मंच प्रतियोगिता, हमने 2020 से प्रोफेसर डॉक्टर राजाराम आर्य सर के संरक्षण में इस पहल को स्टार्ट किया था। हमारा उद्देश्य है कि आदिवासी जो बच्चे हैं, पिछड़े हुए हैं, उनका व्यक्तित्व का विकास हो, जागरूक हो और समाज को करीब से जाने, और जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनको एक स्टेज पे लाए। कितने बच्चों ने आज परीक्षा दी? आज समथिंग 200 बच्चों ने। इनको क्या पुरस्कृत किया जाएगा? हाँ, पुरस्कृत किया जाएगा। क्या नाम? सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और पुरस्कार भी रखा हुआ है। किस उपलक्ष्य में आयोजित है ये विश्व आदिवासी दिवस? क्या उस उपलक्ष्य में किस प्रकार से क्वेश्चन थे इसमें? इसमें सारे समाज को अगर करीब से जानना हो तो हमने 5 टॉपिक बनाए। एक टॉपिक था आदिवासी सामान्य ज्ञान, जिसमें जनजातियों से आदिवासी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और दूसरा था संस्कृति, और तीसरा था महापुरुष, जो भी आदिवासियों के महापुरुष हैं और बाबा साहब हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे थे, और चौथा आदिवासी वैज्ञानिक खोज, आदिवासियों ने जो भी खोजें की थी उनके बारे में, और 5वां था संविधान, ताकि हक अधिकार को जो भी एस्टेट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि किराड़े है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।